और बांग्लादेश के हालात पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार से इस मुद्दे को उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ये आंतरिक सुरक्षा के लिए भी गंभीर विषय है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी है। तो बांग्लादेश को लेकर आखिरकार अखिलेश यादव ने भी रिएक्ट किया है। देर से ही सही, सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने इस मुद्दे को रखा और ये बात कही है कि किसी को भी हिंसा का शिकार होना सही बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत इस मुद्दे को आगे बढ़ाए, ये मांग उन्होंने की है और आशंका जाहिर की है कि बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति भारत में आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर है। इधर नवाब सिंह यादव से समाजवादी पार्टी ने कर लिया है किनारा। गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी ने किनारा किया। नवाब सिंह यादव पार्टी के सदस्य नहीं है, ये कहना है समाजवादी पार्टी का। कन्नौज के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि नवाब सिंह यादव 5 साल से पार्टी विरोधी काम कर रहे थे, जिसकी वजह से अब वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। तो नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी हुई और अब समाजवादी पार्टी ने इससे पल्ला झाड़ लिया है। नाबालिग से रेप के मामले में गिरफ्तारी हुई है। समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं है नवाब सिंह यादव, यह कहना है पार्टी का। आपको बता दें, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुका है समाजवादी पार्टी का नवाब सिंह यादव, समाजवादी पार्टी का नेता इसे बताया जाता रहा है। लेकिन फिलहाल पार्टी का कहना है कि बीते कई सालों से, 5 साल से वो पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल था और इस वक्त समाजवादी पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं। पल्ला झाड़ती हुई पार्टी नजर आ रही है नवाब सिंह यादव से। तो कन्नौज में पुलिस ने नाबालिग से रेप के प्रयास के आरोपी एसपी नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया। नाबालिग की बुआ के मुताबिक नवाब सिंह यादव ने नौकरी दिलाने के नाम पर नाबालिग को रात में सदर कोतवाली क्षेत्र के चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय में बुलाया था, जहां उसके साथ रेप की कोशिश की। लड़की ने वहीं से 112 डायल किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। आरोपी नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया। नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी के बाद तमाम एसपी कार्यकर्ता कोतवाली पर इकट्ठा हो गए थे। पुलिस ने नवाब सिंह यादव पर पॉक्सो एक्ट समेत रेप की कोशिश की धाराओं में केस दर्ज किया है। लेकिन अब पार्टी का कहना है कि नवाब सिंह यादव पार्टी का सदस्य नहीं है। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरवी मौके पर पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वहीं इस मामले में डीजीपी प्रशांत कुमार का कहना कि गिरफ्तारी होने के बाद कार्रवाई हो रही है और इस मामले में पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। इसका संज्ञान लिया था और उसमें उसमें गिरफ्तारी की गई है और आगे की विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। कुछ रेप पॉक्सो से जुड़ा मामला बताने? हाँ, वो चीज़ें आई हैं, उनके द्वारा मैंने कहा था कि एसपी कन्नौज सभी डिटेल इस बारे में प्रेस के साथ शेयर करें।